YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मांग का अर्थ क्या है, मांग की परिभाषा क्या होती है और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा या आवश्यकता को ही मांग कहा जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। व्यक्ति की आवश्यकता वस्तुओं की इच्छा की पूर्ति को ही हम मांग कहते हैं। वेन हम के मतानुसार किसी वस्तु की मांग से आशय उस वस्तु की मांग से है जो किसी विशेष मूल्य पर विशेष समय पर क्रय खरीदी जाती है। दोस्तों इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु की मांग से आशय उस वस्तु की मात्रा से है, यानी उसकी क्वांटिटी, जो किसी विशेष मूल्य पर उसकी विशेष कॉस्ट क्या है और विशेष समय में खरीदी जाती है।